हाँ जी भाई साहब, क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया जी, आप बताओ कैसे हो? क्या नाम है आपका? करणी सिंह यादव जी। करणी सिंह जी, कहाँ के रहने वाले हो? सर, गांव मन्नी वाली। हाँ जी, तहसील सादुल शहर, जिला श्री गंगानगर, राजस्थान। राजस्थान के रहने वाले हो? हाँ जी, ठीक है। और ये अपने पास फिल्ली है या कोल्ट है? ये फिल्ली है। फिल्ली है? हाँ जी। कौन सी है? नुकरी फिल्ली है जी। नुकरी फिल्ली है? हाँ जी। कितने महीने की है? 16 महीने की है। 16 महीने की है? हाँ जी। ठीक है। और बिल्कुल स्पॉटलेस है? हाँ जी, बिल्कुल स्पॉटलेस है। अच्छा, कौन से घोड़े की है? ये राजू घोड़े की बच्ची है जी। राजू जोड़कियाँ वाले की? ठीक है। और आपको कितने टाइम से इसका शौक है, घोड़े घोड़ियों का? मेरे को बस नया ही शौक लगा है जी, अभी नया शौक लगा है। न्यू हॉर्स लवर हो? हाँ जी, साले की हुआ है। ठीक है। जैसे आप ये बच्ची लेके आए थे, बच्ची के बारे में आप बता रहे थे भाई, बच्ची के एक मतलब आंख नहीं है जन्म से ही, तो उसका क्या कारण है बच्ची के? मतलब एक आंख इसके जन्म से ही नहीं है जी, मतलब जन्म तो पता नहीं, अपने तो ये बच्ची किसी से ली थी, हनुमानगढ़ थी। अच्छा। बिल्कुल खस्ता हालत में थी, खड़ा ही नहीं हो रहा जा रहा था इससे। अच्छा। बहुत कमजोर थी। कितने महीने पहले ली थी जी? लमसम 1 साल हो गया। 1 साल हो गया? अच्छा, बिल्कुल मतलब एक आंख से बिल्कुल जन्म से नहीं है ना? एक आंख जन्म से ही नहीं है सर इसकी, इसकी कंडीशन थोड़ी बढ़िया हो गई है। अच्छा, बिल्कुल जब आपने ली थी बिल्कुल मतलब कंडीशन जो इसकी बिल्कुल बिल्कुल कमजोर कंडीशन थी, देखने लायक ही नहीं थी। ठीक है। तो जैसे आप एक आंख की जैसे काणी बोल दें इसको, तो काणी बछेरी जैसे लेके आए थे, तो कई लोग इसको मतलब शुभ भी मानते हैं, तो आप इसको किस दृष्टि से देखते हो? तो क्या है, बस अपने तो सेवा करने की दृष्टि से लेके आए हैं, सेवा करनी है जी बस। अच्छा, सेवा के लिए लेके आए हो? उसकी हालत खराब थी, देखी नहीं की, तो इसको ले आए, सेवा कर रहे हैं बस घर पे। अच्छा, तो क्या डाइट वगैरह क्या देते हो इसको? डाइट वगैरह सुबह दाना देते हैं, जो देते हैं भिगो के। ठीक है। कभी कभी दूध खिला देते हैं गाय का। ठीक है। ठीक है। उसके बाद में जो दिन में चारा डाल देते हैं, थोड़ी हरा वगैरह चोकर। ठीक है। और इसकी हाइट वगैरह क्या है अभी? हाइट इसकी 56 इंच है जी। अभी 56 इंच है? ठीक है। तो जो राजू घोड़ा है वो कौन सी लाइन का है? राजू घोड़ा बोर लाइन का है। अच्छा, बोर लाइन का है। चलो, एक आंख इसके जन्म से नहीं है ना? हाँ, एक आंख तो इस जन्म से नहीं है इसके। और इसको जैसे इसके एक आंख नहीं है तो इसके चलने फिरने में दिक्कत नहीं है? घूमने फिरने में कोई दिक्कत नहीं है? बिल्कुल ही, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है? घूमती है, साधनों से बिल्कुल चमकती वगैरह कुछ नहीं है, कोई ठीक दिक्कत नहीं है। जैसे लगाम वगैरह इसको डालनी शुरू कर दी क्या? लगाम वगैरह डालनी शुरू कर दी है इसकी। कितना टाइम हो गया? 6 महीने हो गए। लगाम ले लेती है आराम से? लगाम आराम से ले लेती है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा, लगाम लोगों में पछाड़ी भी लगानी शुरू कर दी इसके, लगा रहे हैं काफी टाइम से। ठीक है। और जैसे आपने अभी इसको ले हुए कम से कम 3-4 महीने हुए हैं, तो जैसे बच्ची आप ली थी, आपको क्या क्या परेशानियाँ इसको रखने में आई? को दी परेशानियाँ तो कुछ नहीं आई रखने में, 2-4 दिन थोड़ा नया माहौल था घर का, तो थोड़ा बस चमकती थी इधर उधर, निकाल देते तो बाहर। ठीक है। उसके बाद में जैसे सेवा अच्छी हुई तो मन लग गया इसका। तो घर वालों ने कुछ नहीं कहा कि जैसे भी एक आंख वाली, जैसे एक आंख से दिखाई नहीं देता बछेरी को लेके? उन्होंने काफी कहा था कि एक आंख वाली बछेरी तू ले आ, क्या करना है, कोई बढ़िया घोड़ा लेके आ, रखना ही है घर पे। अच्छा। पर मैंने घर वालों को समझाया कि अपने सेवा करनी है बढ़िया। ठीक है, मतलब सेवा के मकसद से लेके, ना कि आप मतलब कोई बिजनेस के मकसद से? नहीं, बिजनेस के पर्पस से नहीं लेके आए बिल्कुल भी। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। एक बार अपना कॉन्टेक्ट नंबर भाई साहब बताओ आप। 97। हाँ जी। 8592603। गांव आपने बताया मन्नी वाली ना? मन्नी वाली, साधु सर तहसील में, जिला श्री गंगानगर। अच्छा। और आपसे कोई अगर बछेरी के रख रखाव के बारे में या आपसे कोई मिलना चाहे, पूछना चाहे, तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ना? जी जी सर। ठीक है। Thank you.